वाटसोला सुपिला शीतला तालाब परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर विशेष रूप से शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश भर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया था। इसी के तहत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वार्ड 16 सुपेला में शीतला मंदिर तालाब परिसर में सड़क नाली सहित अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, वार्ड पार्षद एवं MIC मेंबर केशव चौबे, कांग्रेस नेता राधा मोहन मिश्रा, वासु पांडे सहित अन्य कांग्रेस जनों की उपस्थिति में किया गया। उपस्थित अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्य की शुभारंभ की। वार्ड 16 सुपेला में सभी विकास कार्य 25 लाख रुपए की लागत से कराए जाएंगे। विकास कार्यों का शुभारंभ होने से वार्ड के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगें पूरी हो सकती हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित वार्ड के नागरिकों से भी चर्चा की और उनकी समस्याओं को जानकर शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। विकास कार्यों के शुभारंभ की जानकारी भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और वार्ड पार्षद एवं MIC मेंबर केशव चौबे ने दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान प्रत्येक वार्ड में 50 लाख रुपए के कार्यों का जो घोषणा किए थे उसी के संदर्भ में उन्होंने जो भूमि पूजन किया था, तो आज जो है इस वार्ड क्रमांक 16 में समस्त कार्यों का प्रारंभ कर किया जा रहा है, तो उसी का आज हमारे पार्षद और MIC सदस्य केशव चौबे जी के द्वारा भूमि कार्य का प्रारंभ पूजन करके साथ कार्य का प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान सभी वार्डों में 50 लाख रुपया विकास कार्य हेतु वितरण किया गया था, उसमें से ही आज 25 लाख रुपया का कार्य का प्रारंभ आज श्री शीतला मंदिर शक्तिधाम सुपेला में भूमि पूजन करके प्रारंभ किया गया है। इन 25 लाख रुपये के राशि से किन किन कार्यों को किया जाएगा? इसमें रोड नाली और मूलभूत सुविधा जो भी है आम जनता से जुड़ी हुई, रोड नाली है और आपका पुलिया है, ये सब जो डैमेज है रोड और पुलिया कई जगह जर्जर हो चुके, उसका संधारण और नया निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि वार्ड पार्षद केशव चौबे वार्ड में मौजूद समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार प्रयासरत रहे हैं। यही वजह है कि वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।